अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि बकरी गबन है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका। यहाँ पे मैंने बकरी का पेशाब लिया है और पेशाब लेने के बाद उसके अंदर सरसों का तेल के मैंने 1 से 2 ड्रॉप डाले हैं। अगर तो ये ड्रॉप इस तरह से स्टिल हो जाए तो मतलब कि तो बकरी इसका गबन, मतलब है जी कि बकरी आपकी गबन हो चुकी है। लेकिन अगर सरसों का तेल इसमें डालने के बाद अगर इसमें इस तरह का ड्रॉप ना बने और ये फैल जाए तो मतलब कि बकरी आपकी खाली है, क्रॉस नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज के कौन सा व्लॉग में मिलेगा आपको सरप्राइज? लो जी, मुर्गे पार्टी से पहले मिल लो, उसके अपने घर में जाने का टाइम हो गया। और सरप्राइज क्या है ये आपको वीडियो के लास्ट में मैं भी दिखाऊंगी, और लेकिन उससे पहले मैं मिलवाऊंगी आपको अपने जानवरों से। ये रही जमजम और ये बैठा हुआ है यहाँ पे यम। ये है बर्फी और ये है अजवा। अच्छा, और इसके एक तो बेटा उसका वो बैठा हुआ है ये काले रंग का, और जी ये इसने रात को बच्चे दिए। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे बिल्कुल यम जैसे हैं, वो बैठा हुआ है यम। ये दोनों अपने पापा जैसे हैं। ओह ओह, क्या हुआ, क्या हुआ है? हाँ चाटी थी, गिर गया। दो बच्चे माशाल्लाह से रात को आए हैं। बर्फी नाराज होकर इधर बैठ कर, ओहो मेरी मम्मा मुझे नहीं बुला रही है। और इतने छोटे छोटे से माशाल्लाह से बिल्कुल स्टफ्ड हुए लग रहे हैं। हाँ जी, इसने तो बहुत शोर मचाया, ये तो पता होते साथ इसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। इधर देखो, अच्छा जी नाम भी रखे हैं। इसका नाम रखा, इसका नाम है सुल्तान और इसका नाम रखा हमने टाइगर। बर्फी ये बैठा हुआ है और यम जौन सा है यमन, यम ये बैठा हुआ है। और ये रही जी अजवा, इनकी मामा अपने बच्चों के पास है। ये छोटी वाली खुरली उठा लो। हाँ छोड़ दो, नहीं दूध पिलाया इनको भी मैंने, दो छत पे लेकर हमने कहा जरा धूप लग जाए इनको। हाँ अभी ये पहली पहली बार इन्होंने चलना शुरू किया। और हाँ जी किधर जाना है? ओह इसकी भी आवाज़ निकली है, इसकी भी आवाज़ निकली है। हाँ हाँ, और ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों बकरे, वैसे नाम से पता चल गया होगा। हाँ आइए आइए, उसकी मम्मा आई है, आ गई है अजवा। उसने कहा बच्चे मेरे बोल रहे हैं, फटाफट पहले अंदर चली गई थी, फटाफट भागी भागी आई है। ओहो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, चलना शुरू कर दिया। हाँ जी हाँ जी, अजवा कह ये मुर्गा देख रहा है, मुर्गा देख रहा है, मुर्गे शेरू। उसने पलट के देखा, हाथ ना लगा, हाथ ना लगा, अजवा ने मारना है फिर। हाँ अपनी मामा, हाँ हाँ दुद्धू टाइम खत्म हो गया है, दुद्धू टाइम खत्म है, पी लिया दुद्धू। फिर भी शोर मचाई जा रहा है, फिर भी शोर मचाई जा रहा है कि मैंने और दुद्धू पिलाने का, बस दुद्धू टाइम फिनिश, दुद्धू टाइम खत्म हो गया वह। उसने छलांग मारने की कोशिश करना था लेकिन उसे छलांग नहीं लगी, है ना, छलांग नहीं ना लगी है, है टाइगर से छलांग नहीं लगी। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता टाइगर भड़ागा फिर टाइगर से भी छलांग लगेगी। और ये बच्चे रात के टाइम पैदा हुए थे और हमें तो पता भी नहीं था कि खाना शाना वगैरह डाल के हम तो नीचे आ गए थे। और फिर रात को 1 बजे, नहीं 1:30-12 बजे आके जमजम ने दरवाज़ा बजाया था कि जी बच्चे हो गए हैं, बच्चों की डिलीवरी हो गया कि बच्चे उठा लो अपने। तो हम जब मैं जब ऊपर गई हूँ जमजम को लेके, तो ये दोनों माशाल्लाह से आए हुए थे फुल एक्टिव। आज का दिन तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का बड़े खुशी वाला दिन था, इसीलिए मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोग 1 बजे के जाग रहे थे, 4 बजे सोए हैं और सुबह 7 बजे फिर उठ गए थे क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को उनके माँ के पास लेकर जाना था, दूध पिलाना था। और उसके बाद इन्हीं का काम तो खैर कोई नहीं था इनका, लेकिन बस खुशी की वजह से दोबारा नींद नहीं आई तो वीडियो इसीलिए कोई भी नहीं बनाई मैंने क्योंकि सारा ध्यान इनकी तरफ था। आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, लाजम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।